फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme P1 Android मोबाइल फोन में आप अपने YouTube की वीडियो को स्लो मोशन में कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अपने फोन का इंटरनेट चालू करके अपने यूट्यूब को ओपन कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक वीडियो यहाँ पे पहले से प्ले कर रखा है, तो इस वीडियो को जो है ना, जो भी आपने वीडियो प्ले कर रखा होगा उस वीडियो पे आपको टैप करना है। तो आपका एक कोने में देखिए सेटिंग का आइकन आता है, इस सेटिंग के आइकन को आपको ना टैप करना है, ठीक है। तो आपका इस वीडियो का सेटिंग का ये पेज आ जाएगा छोटा सा, इसमें आपको नीचे प्लेबैक स्पीड का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। तो आपका एक और ये पेज आता है, इस पेज में देखिए आपका नॉर्मल के सामने पहले से राइट टिक लगा हुआ रहता है। तो आपका जो है ना, ये नॉर्मल के ऊपर वाले जो तीन ऑप्शन है ना, 0.25, 0.5, 0.75, ये तीनों ऑप्शन आपके स्लो मोशन में काम करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो 0.25 है ना, सबसे ऊपर वाला, ये अगर आप करते हैं 0.25 को, तो इससे आपका जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे चलेगा, ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा कम स्लो मोशन में यही चलता है 0.25, ठीक है। तो यहां पर मैं सिलेक्ट करके दिखा देता हूं, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया, तो ये वीडियो कितना ज्यादा धीरे धीरे यहाँ पे चलने लग रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों, इस तरीके से आप जो है ना अपनी YouTube की वीडियो को स्लो मोशन में चला सकते हैं। देखिए दोस्तों, YouTube की वीडियो को स्लो मोशन में चलाने के वैसे तो कई फायदे होते हैं, काफी सारे लोग जो है इसे अपने अपने तरीके से यूज कर लेते हैं। मैं जो है YouTube की वीडियो को स्लो मोशन में क्यों करता हूँ, ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, कभी मैं YouTube पे कोई वीडियो देखता हूँ ना, तो वीडियो में कभी ऐसा एक पॉइंट आ जाता है जो मेरे को ठीक से समझ में नहीं आता, यानी कि या तो वो ठीक से दिखाई नहीं दिया है, या तो वो ठीक से सुनाई नहीं दिया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी YouTube की वीडियो को स्लो मोशन में कर लेता हूं, जिससे जो पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आया था ना, वो मेरे को ठीक से दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। देखिए दोस्तों, YouTube की वीडियो को स्लो मोशन में करने से वीडियो तो स्लो चलता ही है, साथ ही साथ उसकी जो वॉइस होती है, वॉइस भी उसकी स्लो मोशन में चलने लगती है साथ ही साथ, ठीक है ना। तो दोस्तों, यहां पर जो है, जो मेरे को पता था कि मैं YouTube की वीडियो को स्लो मोशन में क्यों करता हूं, वो मैंने आपको बता दिया है। तो फाइनली मैंने आपको यह भी बता दिया है कि आप अपनी YouTube की वीडियो को स्लो मोशन में इस तरीके से कर सकते हैं, और जो भी आपका यूज हो सकता है वो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना।